सो हमारा विषय मेरे जीवन का परम कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। इंग्लिश में मैं आपके लिए मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है मैंने हिंदी में लिखा। इन दिनों में आज कल और परसों तीन दिन हम नौजवान जब इकट्ठे हैं, हम किसके लिए प्रभु हमें लेकर आया, परमेश्वर ही लेकर आया। सच है, आपका विश्वास है, कौन लाया, परमेश्वर लेकर आया। और फिर और बहुत से नौजवान आना चाहते थे, कईयों की शादी हो गई वो नहीं आ पाए, हमने उसके लिए कंडीशन रखा था जिसकी शादी नहीं हुई, और 15 साल से 30 साल के उम्र वाले को। क्यों? आप अपने जीवन के एक मुख्य मोड़ में हैं। परमेश्वर ने हम इंसानों को सबको क्या दिया, आज़ाद मर्जी दिया। माँ बाप के साथ हम रहते हैं, माँ बाप हमारे लिए मेहनत भी करते हैं, माँ बाप अपने आप को पूरा कष्ट देते हैं ताकि आपके जीवन में क्या ना आए, कष्ट ना आए। उधर बैठे हुए नौजवान देख सकते हैं, मुझे दिखता है। सो माँ बाप, आप अपने माँ बाप को जरा देखें, वो आपके पीछे क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। और आपने कई माँ बाप हैं जिनके पास छोटा पुराना फ़ोन है लेकिन बच्चों को अच्छा फ़ोन ले कर दिया। तो जब माँ बाप आपके पीछे इतना मेहनत किए, हम उनको आदर और इज्जत देते हैं, लेकिन आप एक आपके जीवन के उस समय में आए हैं जब आप घर से अभी बाहर निकलने वाले हैं, माँ बाप आपका देखभाल करते करते बुज़ुर्ग हो गए, कमज़ोर हो गए, अब आपके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेवारियाँ हैं। सो अब आप जब घर से बाहर निकलने वाले हो, आप जो फैसला लेते हैं, कोई आपके ऊपर कोई चीज़ कोई थोप नहीं सकता। फैसला किसने लेना, मैंने लेना। और ध्यान रखें, आपका फैसला वो आपके पीढ़ियों को असर करेगा, सिर्फ आप तक नहीं, किसको असर करेगा। सो मैं जो फैसला ले रहा हूँ ना गंभीर क्यों है, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के साथ वो फैसला मेल नहीं खाता। मैंने जो फैसला लिया वो परमेश्वर की योजना से अगर मेल नहीं खाएगा, फिर ज़िंदगी भर आप पछताओगे। आपके फैसले बोलने से आपका नौकरी, आपकी शादी, आपका भविष्य का सब बात फैसला आप करोगे। हम ये यूथ कैंप इसलिए नहीं चला रहे कि आपके ऊपर कुछ बात थोपना, जबरदस्ती आपने ये करना है, नहीं आपने बपतिस्मा लेनी है, नहीं, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है ना लो, लेकिन फैसला किसका, आपका है। सो इन दिनों में हम लोग जो देखने वाला विषय, मेरे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। इंग्लिश में अगर हम देखें, वॉट इज़ द चीफ एंड द हाइस्ट एंड ऑफ मैन, इधर आप लोग बोलिए, मैंने आपके सामने सवाल रखी है। सवाल क्या है, मनुष्य के जीवन का, अब आप बताइए आपके जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। आप बोलिए, नौजवान लोग, भाई लोग पहले बताइए, सोच कर बताइए मेरे जीवन का मुख्य काम क्या है, बोलिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ना, आपका विश्वास है, या जानवरों से आए हैं? हाँ जी, स्कूल में क्या सीखा, स्कूल में पीएचडी किए हुए प्रोफेसर हमें सिखाता क्या है, बाप दादे बंदर थे, सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं,
कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा कि स्कूल में ये क्यों पढ़ाया जा रहा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं, टीचर और आपको पढ़कर क्या भी देना है, एग्जाम भी देना है। क्या देना है कि हम किससे आए, और अगर आप सही जवाब नहीं लिखोगे आप फेल। तो आपका विश्वास क्या है? परमेश्वर ने बनाया ना, हम सबको बनाने वाला एक है, तो फिर बनाया क्यों? मैंने किस घर में जन्म लेना, मैंने लड़के के तौर पर आना है, लड़की के तौर पर आना है, मेरी उम्र कितनी होगी, ये सब पहले से ही क्या हो चुका है, तय हो चुका। लेकिन हम नौजवान क्या सोचते हैं, हमारा सोच, मैं सिर्फ तस्वीर के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, मेरी जिंदगी है ना, मेरी जिंदगी है, माई रूल्स। माँ बाप, आपने अभी तक मुझे चलाया, लेकिन अब आगे चलना कैसे, नियम किसके, मेरे नियम होंगे, आपने उसमें कुछ नहीं बोलना, अगर बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। हमारा सोच क्या, हम नौजवान हैं, और हमारी अगली सोच क्या है, माँ बाप बूढ़े हो गए, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कुछ मालूम भी नहीं, हमें उनसे ज़्यादा मालूम, है ना, ये ना सोच है। इसलिए अगर बाप या माँ कुछ बोले हमें अच्छा नहीं लगता। आपको मालूम है ना, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार माँ बाप का पैर छूना है नहीं छूना, हाँ जी, क्यों छूते हैं बोलिए, पैर छूते हैं, कोई एक आ जाए पैर छूते हैं, कैसे छूते हैं, कोई एक आकर मेरा छू कर दिखाओ, हाँ जी छूते ना, तो हम सिर में रखकर आशीष देते हैं ना, क्यों छूते हैं, छूना है नहीं छूना, हाँ जी। मैं विश्वासी नौजवान से पूछ रहा हूँ, माँ बाप, सिर्फ माँ बाप नहीं, आपसे जो भी बड़ा है, रिश्तेदार हो, हम उनका पैर क्या करना है, छूना है, क्यों छूना बोलिए, क्यों छूते हैं? कि हम हिंदुस्तान के हैं, भारत हमारा देश है, और हमें अपने देश पर क्या होना है, गर्व होना। मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे अपने देश के ऊपर पूरा गर्व है, लेकिन मैं देश की पूजा नहीं करता हूं, मैं देश की आदर करता हूं। समझ में आ रहा है फर्क, समझ में आ रहा है? हम किसकी पूजा करते हैं, देश की नहीं, परमेश्वर की करते हैं, जिसने मुझे बनाया। लेकिन मैं अपने देश की, अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों का मैं क्या करता हूँ, आदर बराबर करना। पूजा और आदर दोनों में बहुत फर्क है। हम पर क्योंकि परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बराबर कोई और है नहीं। देश भी, माँ बाप भी, सब भी, सब किसने दिया, परमेश्वर ने ही दिया। सो लेकिन हमने माँ बाप का क्या करना, आदर करना है ना। माँ बाप अकेले नहीं, अपने, ये अंग्रेजों के कई सड़े हुए नियम हम में आ गए। अंग्रेज अपने माँ बाप को नाम बुलाते हैं, पत्नियाँ अपने पति को नाम बुलाते हैं, कोई हम आप बोलते हैं, वो यू बोलते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। सो पैर क्यों पकड़ते हैं आप बताइए? आजकल हमारे नौजवान बोलते हैं, मेरे को किसी का नहीं पैर पकड़ना, आप मेरा पैर पकड़ो, मेरे नियम है, मैं अपनी मर्जी करूँगा, मुझे किसी ने कुछ बोलना नहीं। सो क्यों पैर पकड़ते हैं, अच्छी तरह समझना, पैर गंदा है, पैर में बहुत धूल है, हम उनके सामने क्यों पैर पकड़ते हैं,
आपके पैर में जो धूल क्या बताता है आपको मेरे से ज़्यादा क्या है, अनुभव है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो भी आपको मेरे से ज़्यादा क्या है, अनुभव है। आपने मेरे से नहीं सीखना, मैंने आपसे सीख, आप मेरे से ज़्यादा इस पृथ्वी में चल चुके हैं, इसलिए आपके उस अनुभव के सामने मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, नम्र कर रहा हूँ। हम पूजा नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, नम्र करते हैं। सो लेकिन आज नौजवान के सोच क्या है, मेरी जिंदगी, मेरे नियम होंगे, मुझे जो अच्छा लगा मैं वही करूँगा, है ना, स्टाइल भी, कपड़े भी, है ना, बाल के अलग अलग स्टाइल हैं, आप तो देख सकते हो आजकल का ज़माना कैसे है, बाल भी जेल लगाकर खड़े हो जाते हैं और दुनिया भी देखकर बोलती है तेरे को हो क्या गया, नहीं जी मैंने ऐसे करना, किसी की नकल मारी उसी हिसाब से करने लगते हैं, नए नए फैशन आ रहे हैं, टोपी कैसे पहनते हैं, हाँ जी, जबकि उसका आगे एक है ना, वो किसके लिए होता है, लेकिन आजकल नौजवान कैसे पहनते हैं, क्यों, वो क्या बता रहा है, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा, मैं तुमसे अलग, जो जो नहीं करना है मैं वही करूंगा, वही करूंगा, इट्स माई लाइफ, मेरी जिंदगी है, इसलिए आप किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, मैं चुनूंगा। उदाहरण शादी की बात आ जाती है, मैं फैसला करूंगा, व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा क्या हो गई, दोस्ती हो गई और हमें लगने लगा यही सबसे अच्छा है, माँ बाप बोलते नहीं नहीं मैंने तो वही करना, इतने साल माँ बाप ने हमें पाला, कष्ट उठाया और हम क्या बोलते हैं, मेरे जीवन का साथी का फैसला मैं करूँगा, किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। और माँ बाप पुलिस में भी नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस वाले भी बोलेंगे बच्चे का उम्र 18 से ऊपर हो गया, आप कुछ नहीं बोल सकते, मालूम है माँ बाप का दिल कितना टूटता है, हम तेरे को प्यार करते हैं, तेरी बीवी या ते जिसके साथ तेरे को प्यार हो गया, कल वो जूते मार कर तुझे निकालेगा तो भी तू किधर आ जाना, किधर आ जाना, जिसके साथ आपका चक्कर बना वो तो छोड़ देगा, लेकिन माँ बाप छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते, तू हमारा ही ना है, कहीं भी जाओगे वापस किधर ही आना है, लेकिन हमारी सोच किसी ने कुछ, जो माँ बाप की नहीं मानता वो पास्टर की कहाँ मानेगा, रिश्तेदारों की कहाँ मानेगा ना। मैंने पहले भी ये तस्वीर दिखाया ना, बिल्ली की शक्ल देखी, हमारी भी सोच कैसे है, ये पहले भी दिखाया, फिर उसके बाद मालूम क्या होता है, आप अपने जोश में चलते हैं, आपको लगता है मुझे सब कुछ मालूम है, और फिर जब सब टूट जाता है फिर मालूम है आप कैसे हो जाते हैं, लीव मी अलोन, अब आप किस में चले गए, शेल में चले गए, अब किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, आप में से होंगे किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्यों, मैंने जो सोचा था, मैंने जो प्रोग्राम बनाई थी वो सब का सब क्या हो गया, बिगड़ गया। और ऐसी हालत में जब पहुंचते हैं फिर आपके पास आते हैं लोग, बोलते हैं नशा कर ले, ये पंजाब पूरा बर्बाद हो गया, देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि नौजवान किसके गुलाम बन रहे हैं, नशे, नशे में एक व्यक्ति फंसता कैसे, अच्छा जीवन, अच्छा खूबसूरत जीवन परमेश्वर ने दिया, आज कितने नशा में क्या हो गए,
बर्बाद हो चुके हैं, पूरा बर्बाद कर लिए। क्यों? अपनी योजनाएं सारी क्या हो गई? टूट गई, गुलाम बन गए, मर भी गए। सो फिर बैठ जाते हैं ना, फिर मुझे अपने से ही क्या है, शायद आप में से कोई होगा, खाने का भी मन नहीं करता, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, मुझे अपने से क्या हो गई, निराश हो गई। शायद आप में से कोई ऐसा आया होगा जो इस स्थिति में है। और इसके बाद अगला कदम क्या है, इसके बाद अगला कदम क्या है? हाँ, इसका अगला स्टेप है आत्महत्या करना। आज मालूम है कितने लोग नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। कैसे हुआ? मैं किसी की नहीं मानूंगा, अपनी मर्जी करूंगा, अपनी मर्जी की, सब बर्बाद हो गया, फिर अपने में नफरत आ गया, फिर आखिरी में क्या बोल दिया, जी कर फायदा क्या, गले में फांसी लगाई चले गए। शुरुआत कैसे, अंत कैसे, ना निराश होकर बैठे हैं। फिर बोलते मेरे से कोई बात ही नहीं करता। मैं तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये तस्वीर दिखा आपको, शायद आप इधर खड़े हैं, यूथ कैंप किसके लिए, आप शायद उधर खड़े हैं अभी। अगला कदम आप क्या लोगे? फैसला किसने लेना है? आपने। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? और अगला स्टेप आपका घातक भी हो सकता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के भरोसे क्या कर रहे हैं, कूद चुके, आंख बंद करके क्या किए, अगला कदम ले लिए। इसने तो पीछे पैराशूट बांधी है, लेकिन जिंदगी में कोई पैराशूट नहीं है जो बचाएगा। देखिए ना, इधर खड़े हो आप, अगला कदम लिया, जा रहा, और फिर बाद में रोकर कोई मतलब है? सो मेरा जो अगला कदम, इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले पूछा मेरे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। पढ़ लीजिए रोमी 11 का 36, रोमन्स 11:36। क्योंकि उसी की ओर, एक मिनट सब लोग खोल ले, रोमी 11 का 36, हाँ पढ़ लीजिए। क्योंकि उसी की ओर से, उसी की ओर से, और उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, और उसी के लिए सब कुछ है, और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। दोबारा पढ़िए। क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से, उसी और उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, और उसी के लिए सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, उसका आमीन। उसका मतलब क्या है? सारा कुछ उसी के ओर से है। मैं जब इधर खड़ा हूं, मैं जब अपने जीवन का फैसला लेना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, समझाने के लिए मैं तस्वीर, फुटबॉल तो देखा होगा ना, फुटबॉल का खेल में होता क्या है, कैसे खेलते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, बोलिए, एक टीम में कितने होते हैं, 11। अब ये बॉल है ना, इसको मैंने किधर पहुंचाना है, लक्ष्य किधर है, लक्ष्य फिक्स है या मैं बदल सकता हूं, गोल पोस्ट बदल सकता हूं। अब इस गेंद को उस गोल पोस्ट के अंदर डालने में मुझे कितने रोकेंगे, बोलिए, मैंने इस बॉल को गोल पोस्ट के अंदर डालना है, कितने रोकेंगे, 11 रोकेंगे, और आखिरी वाला हाथ भी लगाएगा,
और मैंने इन 11 को पार कर कर गेंद को किधर डालनी है? हम दूसरों, अभी वर्ल्ड कप हुआ ना, आप लोग सब देखे होंगे, जब बॉल डाल देते हैं कितने खुश हो जाते हैं, क्या क्या कैसे वो अपने आप को दिखाता है, मैंने क्या किया। इसी तरह आपके जीवन का लक्ष्य, लोग हौंसला देंगे या रोकेंगे? बोलिए, पूरी जोर मारेंगे आपको आगे जाने से। लेकिन जो बॉल लेकर जाता है उसका, उसके पैर को देखा होगा ना, कैसे 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 जाता। सो परमेश्वर ने आपके सामने एक लक्ष्य रखा, और वो लक्ष्य क्या है देखिए ना, एक जीवन ना। आप एक समय ऐसे थे, आप जितने भी बैठे हैं, एक समय ऐसे थे ना। और पिछले दिन हम ही कहीं थे तो कोई बहन टीम की सिस्टर बोल रही थी, सैम एक समय 1.5 किलो का था, अभी कितना बड़ा हो गया। हम सब इतने ही थे, सोचो ये यूथ कैंप किसके लिए। और मेरा आपसे विनती है, कैंप में आए आप लोग फोन लेकर आए हैं, है ना, लाए हैं। मैं आपसे फोन नहीं छीन रहा, आपने डिसिप्लिन डालनी है। मैं प्रभु के चरणों में वचन सीखने आया, मेरे को अभी बाहर की दुनिया से मुझे कोई संपर्क, आप चाहिए तो 3 दिन का डिसिप्लिन डाल सकते हैं। कैसे? फोन बंद करके। सब नहीं करेंगे क्योंकि शराबी से भी ज्यादा नशीले हम हैं, किसके, फोन के बिना तो रह ही नहीं सकते। आप बोलोगे नहीं हमें फोन का नशा नहीं है, आज बंद करके देख लो आपको कितना नशा चढ़ा है, आज ही मालूम चल जाएगा। हमें से कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं जिसको हमेशा क्या चाहिए, फोन चाहिए। अगर ये कैंप का आपके जीवन में पूरा फायदा होना है, आप क्या कर सकते हैं, फोन बंद कर सकते हैं। अगर कोई जरूरी बात हो घर वालों को बोल सकते हैं, हमें फोन कर दे, सब पास्टरों के पास हमारा नंबर है, आप तक संदेश पहुंचाना है पहुंचा दे। लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा, वो आपने फैसला, क्यों मैं इधर आया हूं। बार बार ऐसे मौका मिलेगा मैं मालूम नहीं, इस बार का ये कैंप कैंसल था, कैंसल हो चुका था। हमने 5,000 इस हॉल के दिए थे और इन्होंने बोला था वो वापस भी नहीं होगा। हमने बोला ठीक है 5,000 नहीं चाहिए, बाकी सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। लेकिन प्रभु की मर्जी थी, प्रभु ने हम सबको इधर लाया। इससे पहले हमने अमृतसर सोचा, ठीक नहीं हुआ, जलंधर सोचा, वो भी ठीक नहीं हुआ, परमेश्वर ने फिर इधर इतना इंतजाम किया। सो जब मैं इधर आया हूँ, मेरा जीवन परमेश्वर ने दिया हुआ एक दान है, मैं तुझे बनाकर इस पृथ्वी में भेज रहा हूँ, जा। तेरे जीवन का फैसला करने के लिए मैंने तेरे को क्या दी है, आज़ादी दी है। सो उधर आती है बात, इधर हमने जैसे पढ़ा, उसने उसी की ओर से, उसी के, दोबारा पढ़िए, क्योंकि उसी की ओर से है, हाँ, और उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, और उसी के लिए सब कुछ है, और उसी के लिए सब कुछ है। हाँ, उसकी, आगे, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। सो एक कीमती जीवन। अब इसके साथ आप पहला कुरंती 15:28 भी पढ़िए, पहला कुरंती 15:28। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो, ताकि सब में परमेश्वर ही। सो ध्यान रखें, आपका जीवन, हम जीवन में गलतियां क्यों कर बैठते हैं, हम अपने जीवन के उस मुख्य सिद्धांत को समझ नहीं पाते। ध्यान रखना, मुझे एक ने बनाया,
अब आप में से बहुत नौजवान भाई और बहन होंगे, आपने जीवनों में बहुत गलतियां भी की हैं, बहुत गलतियां भी की होंगी, फिर परमेश्वर आपको कैंप में क्यों लाया? शायद परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा ताकि आपके कीमती जीवन को आप क्या ना करें, बर्बाद ना करें। सो प्रभु मौका दे रहा। सो मुझे परमेश्वर ने एक जीवन दिया, वो सब कुछ वही है, मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण भी किसका, कंट्रोल भी परमेश्वर का है। अभी आज बहुत से लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं बोलिए, पढ़ाई कर रहे हैं ना, लक्ष्य क्या है? हाँ जी भाई लोग बोलो, पैसा ही ना चाहिए, है ना, पैसा का क्या करोगे, पैसा ही चाहिए ना, कॉलेज में जाएंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें लेकर रट रहे हैं, और पास्टर को भी बोलते हैं आप भी प्रार्थना करो, माँ भी बोल, माँ बाप भी प्रार्थना कर रहे कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी क्या हो जाए, पास हो जाए। अच्छा, पास होने के बाद प्रोग्राम आगे क्या है, जॉब किसके लिए, हाँ, लेकिन पैसे ही चाहिए। तो कबाड़ी वाला भी तो पैसे कमाता है, नहीं, हाँ कमाता है, डॉक्टर से ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, हाँ जी, कबाड़ी वाला देखा है जो स्कूटरी लेकर घूमता है, सारे घर से कचड़ा जो भी है, लोहा सरिया सब लेता है, वो भी डॉक्टर से ज़्यादा कमाता, नहीं कमाता, चोर ज़्यादा कमाता है, नहीं कमाता, पैसे ही कमाने हैं तो कौन सा काम कर लो, उसके लिए कोई पढ़ाई चाहिए, हाँ कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, कबाड़ी के लिए कोई चाहिए नहीं ना चाहिए, लेकिन हमें इज्जत भी चाहिए, तो इज्जत वाला काम कौन सा, कबाड़ी का काम इज्जत वाला है, हाँ जी कबाड़ी का काम इज्जत वाला है, नहीं ना है, चोर, हाँ डॉक्टर होंगे तो क्या मिलेगा, हाँ हमारी गांव से एक डॉक्टर तो आ जाए, पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी, हमें दोनों चाहिए, दुनिया इसके पीछे भाग रही है। हमारे घर में सारे नर्स हैं, कम से कम तू क्या बन जा, डॉक्टर बन जा, हम सब किसान हैं, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए। और फिर अब पंजाब में, और पंजाब अकेला नहीं, बहुत से नौजवानों गए कनाडा जाएंगे, नहीं तो फिर किधर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और जो गए हैं वो यूट्यूब में हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्या बोल, देखा है यूट्यूब, वो क्या विनती कर रहे हैं, हाँ जी इधर मत आओ, लेकिन हम क्या बोलते, पापा जी जमीन बेचो, मैंने किधर जाना, विदेश में जाना, हम खुद उधर गए, और कई लोगों ने हमसे जाने के पहले पूछा हम उधर जाना चाहते हैं, आप जाकर पता कर आ जाओ, और मैं सब पता कर आकर मैंने उनको बोला भैया ना जा, तो क्या बोले, मुझे जलन है, पास्टर को जलन होती है, हमारा मुंडा बाहर चला जाएगा, मैंने बोला जाओ, मेरा क्या जा रहा है, मैंने थोड़ी हवाई जहाज में ले जाना, उधर भुगतते हैं, रो रहे हैं। मैं बोलने का मतलब, हमारा फैसला पूरा कैसे होता है, दूसरे को देखा, किसी और ने कुछ बोला, हमने फैसला ले लिया, और बाद में जब सब बिगड़ जाता है, बोलने वाले भी सामने कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं। फिर हमारी सोच है, मैंने पैसे कमाने हैं ना, क्योंकि किसका देखभाल करना है, हाँ जी परिवार का क्या करना है, मम्मी पापा का मैंने देखभाल करना है, नहीं करना, करना है ना, पैसे कमाएंगे और फिर किसका भी देखभाल करेंगे, मम्मी पापा का भी देखभाल करेंगे। पिछले दिन एक नौजवान मेरे को मिला, विश्वासी है, वो बोलता जी पास्टर जी प्रार्थना करना, मैं बोला क्यों, बोलता मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया, कौन सा, मैं फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखता हूं, क्या लिखता हूं, और परमेश्वर ने दिया क्या है, वरदान, फिल्मों की स्क्रिप्ट,
और वो बोलता पास्टर जी क्या भी करो, प्रार्थना भी करो। मैंने बोला तू ही तो है जो ये एक्टरों को नचाता है। एक्टर खुद बैठकर थोड़ी स्क्रिप्ट लिखते हैं, लिखने वाला कोई और, उसको पढ़कर नाचना गाना ये करते। मैंने बोला तू ये क्यों कर रहा है? बोलता जी कर्जा है, एक स्टोरी लिखूंगा मुझे कम से कम 4 लाख मिल जाएगा। मैं बोला तू विश्वासी है क्यों ऐसे लिख रहा है? हमारे ऊपर कर्जा है। सो आप में से बहुत लोग बैठकर सोच रहे हैं मैं विदेश जाऊंगा, वचन सीखूंगा, प्रभु की आशीष होगी, मैं किधर चला जाऊंगा? विदेश जाकर। उधर जाते ही पैसे पेड़ों में लटके हैं, मैंने बस तोड़ना है और इधर भेजना है। और पापा जी बस जमीन बेच दो, मैं कमाकर आपको इससे भी बड़ा बना कर दूंगा। बहुत से लोग, मैं केरला का हूं, हमारे केरला से बहुत से लोग विदेश में गए, आधा पौना केरला विदेश में, मेहनत मजदूरी कर कर वापस आकर बड़ा बड़ा मकान बनाया, बड़ा बड़ा मकान, लाखों में नहीं करोड़ों में, करोड़ों का एक एक मकान। अब पिछले दिन सुना होगा ना क्या हुआ, जब आया ये थी हालत, छत के ऊपर क्यों खड़े हैं? हेलीकॉप्टर वाले को कपड़ा दिखा रहे हैं, हम भी इधर हैं। बनाया बड़ा मकान है लेकिन अब किधर से निकलने, किसकी इंतजारी में? हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर आकर इनको घर घर से उठा कर लेगी। बड़ा बड़ा मकान बर्बाद हो गए। हेलीकॉप्टर जिसने कभी नहीं जिंदगी में देखी थी, ये हेलीकॉप्टर में चढ़े कहां से? घर के छत के ऊपर से। लखपति हैं, करोड़पति हैं, है ना, ऐसे बुजुर्ग। और कईयों के तो माँ बाप इधर हैं, वो खुद उधर हैं। माँ बाप को जो चारपाई में पड़े थे ऐसे उठाया, कार को देखा ये उधर फंसा क्यों है, इसको क्या करके रखा है, देखा बांध कर रखा है। उस इसका मालिक को थोड़ी अकल थी, उसने क्या कर दिया, अच्छी गाड़ी को बाढ़ में बह ना जाए क्या कर दिया, रस्सी से बांध कर रखा है, इसलिए बेचारा उधर फंसा हुआ है, नहीं तो बाकी सब बह गए। जब बाढ़ खत्म हो गए, गाड़ी किसी काम की नहीं, पानी से पूरा बर्बाद हो गया। ऐसे टिप्परों में गए हैं, इनके पास बड़े 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 मकान वाले हैं, बड़े बड़े मकान वाले किसमें गए? टिप्परों में गए। मछुए आए थे, ये देखा बड़ा बड़ा मकान किसमें डूबा? मैं ये तस्वीर आपको क्यों दिखाया, ये सोचे हम बाहर जाएंगे पैसे कमाएंगे वापस आएंगे बड़ा मकान बनाएंगे, बड़ा मकान बनाया, बाढ़ आया, सारा का सारा क्या हो गया। और हम अभी 2-3 हफ्ते पहले केरला में थे, इनका घर का अच्छा अच्छा सामान सारा कुछ सड़क में पड़ा, घर का गद्दा, अलमारी के अंदर का सामान कुछ नहीं बचा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनके भी रिकॉर्ड सब के सब बर्बाद। अब जो कपड़े पहने किसी और ने दिए। मैं ये क्यों आपके सामने बोल रहा हूं, आप दूसरों को देखकर एक फैसला करोगे, कल ये सब आपके हाथ से जब चला जाएगा फिर रोक कर कोई फायदा नहीं, आपके जीवन का फैसला है मैंने करना क्या है। इधर हमने वचन में जो पढ़ा क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए 15:28। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। सब कुछ हो, ध्यान रखें, आपको उसने आजादी दी है। आप सोचते हो मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप कर सकते हो, लेकिन आखिर वो किसकी मर्जी करेगा? अपनी ही मर्जी करेगा। आप और मैं उसको कुछ भी बोल नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं हम कुछ भी, कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकते हैं।
अब आपने देखा होगा ना अमेरिका में जो ज्वालामुखी फूटा है ना, क्या निकला है? कोई रोकेगा इसको? मैंने तो केरला का बाढ़ आपको दिखाया, ये क्या है? जमीन फटा अंदर से निकला। अभी अमेरिका में जो हो रहा, अमेरिका में हवाई में जो होने वाला, ये क्या निकल रहा? कौन रोकेगा? दुनिया सिर्फ बहता जा रहा है। जिन जिन के बड़े बड़े मकान थे सबके सब चपेट में आए, जलाता गया। हमने वचन क्या पढ़ा? वो तो अपनी मर्जी ही करेगा। आप अपना सोचकर बहुत कुछ बना रहे हो, बहुत कुछ, लेकिन फिर जब ये सब हो जाता है फिर पछता कर कोई फायदा ही नहीं। मैं सिर्फ ये क्यों दिखा रहा हूं ताकि आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कितना भयानक है। सो मेरा और आपका सोच, इसके साथ साथ पढ़ लीजिए पहला कुरंती 10 का 31, फर्स्ट कुरंतियंस 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे खाओ, दोबारा पढ़िए। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, सब कुछ। सो मेरे जीवन का परम कर्तव्य, मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं, अपनी मर्जी कर सकता हूं। परमेश्वर ने हम सबको उसके लिए क्या दिया है? खूबी दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ क्या बताता है, हमारा परम कर्तव्य क्या है? मैं जो भी करूं उससे परमेश्वर की क्या होनी है? महिमा होनी। मेरी इच्छा नहीं, किसकी महिमा? ये चीज हम हर एक नौजवान ने अपने जीवन में सोच कर फैसला लेना। आप जो भी फैसला लेते हो, एक नौजवान विश्वासी का सोच क्या है? प्रभु तूने मुझे अपने लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया। ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है। अब नवरात्रि शुरू हो रही है, दुनिया पूजा पाठ करेगी, बहुत भक्ति करेगी। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, जितनी भक्ति कौन करती है? दुनिया करती है। भक्ति क्यों कर रही है? उनकी एक ही सोच है, गणेश हो गया, फिर नवरात्रि आ गई, अब दिवाली आएगा। ये सबके पीछे का सोच क्या है? कैसे ना कैसे परमात्मा को क्या करें? खुश करें। कैसे ना कैसे परमात्मा को खुश करें। क्यों? अगर परमात्मा खुश हो गया, मेरी मुरादें पूरी हो जाएं। आप भी जो बैठे नौजवान हैं, आप भी चाहते हो पास्टर जी प्रार्थना कर दो मुझे एडमिशन मिल जाए, है ना? पास्टर जी प्रार्थना कर दो कि मैं विदेश में चले जाऊं। सच्चे दिल से ना बोल रहे हो? नहीं, कोई फेल होना चाहता है? हाँ जी, विदेश जाने का मौका मिलेगा, आप जाना चाहते हो? हाँ जी, नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं। हम सब के अंदर, मैं भी इंसान हूं, मैं भी ऊपर से नहीं गिरा, हम सब चाहते हैं प्रभु मैं भी सच्चे मन से तेरे पीछे चल रहा हूं, प्रभु प्रार्थना भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, बस एक ही मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा को तू क्या कर दे। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती हमें क्या होता है? क्या होता है? दुख होता है। सच है? आप बोलो सच है झूठ है? अगर नंबर कम आ गए खुश होंगे दुखी होंगे? क्यों? मेरी इच्छा। लेकिन हम जो वचन सीख रहे हैं, इधर हमने सीखा पहला विषय, मेरी इच्छा नहीं। क्या नहीं? मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं,
प्रभु तेरी महिमा होनी। समझ में आ रहा? हमारे जीवन का सिद्धांत क्या होना? प्रभु तेरी महिमा। तूने बनाया है, हमने पहला आयत क्या पढ़ा? सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए, है ना? ऐसे ना पढ़ा, पढ़ो दोबारा, देख लो, रट लो आप उस आयत को। हाँ, 10:36, 11:36, क्योंकि उसी की ओर से, उसी की ओर से, यानी आपके पास जो कुछ है ये सब किसकी ओर से? उसी की ओर से। माँ बाप हो, पढ़ाई हो, कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, सब उसी की ओर से। आगे, और उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, और उसी के लिए सब कुछ है, उसी के लिए। यानी परमेश्वर ने आपको आज जो रखा है किसके लिए रखा है? हमारे लिए नहीं, उसके लिए। ये सिद्धांत आपके जीवन में रहेगा तो आप बहुत सी परेशानियों से आप बच सकते हैं, बहुत से परेशानियों से। सो मैंने जैसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाया, मैं दोबारा एक तस्वीर दिखा रहा हूं। तस्वीर इसलिए ताकि आप समझ सके, आपके सामने चॉइस है दो। अब शायद आप इस घड़ी में खड़े हो, मैंने इधर जाना है, इधर जाना, और ये सब नौजवान के सामने ये है। ये मालूम दो चॉइस क्या है? मेरी मर्जी या ये, दो में से आपने फैसला करना। इधर हम आपको यूथ कैंप इसलिए नहीं लाए ताकि मैं प्रचार करूं, नहीं। यूथ कैंप असली में एक काउंसलिंग कैंप है, जिधर हम आपको काउंसिल कर रहे हैं। जीवन आपका है, आपने ये दो में से एक फैसला लेना। किसी और को आप देख नहीं सकते। माँ बाप क्या बोलेंगे? हमने जितना करना था हमने कर दिया, हमने जितना करना था हमने कर दिया, अब तू फैसला कर। आप में से कोई बोलेंगे पापा जी जमीन बेच दो, पापा बोलता है ठीक है, मम्मी भी बोलती है बेच दो, बाप दादाओं से मिली जमीन है बेच देते हैं ताकि बेटा किधर चले जाए, किधर, और उनको बड़ी आशा होती है। आप में से, आप खुद ही नौजवान देख सकते हैं, आप में से आप लोग पढ़ रहे हो, आपके माँ बाप को इतना पढ़ाई नहीं, मेहनत कर कर किसको पढ़ा रहे हैं? आपको। तो आप किसका मेहनत को अनुभव कर रहे हैं? माँ बाप का पसीना ना। इन दोनों में से आप कौन सा फैसला लेंगे? आप आज फैसला कर सकते हैं, ठीक है पास्टर जी आपने जो बोलना था बोल दिया, फैसला तो मेरा, बिल्कुल ठीक है ना। अब परसों आप जब इधर से जाओगे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे, अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, और आखिरी यही बोलकर ना आपको हम भेजेंगे। भैया आप बटाला आए, 3 दिन वचन सुना, अब आप जा रहे हो, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तेरे साथ हो। क्यों? तेरा एक जीवन परमेश्वर की ओर से दान है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले सेशन में ही हम क्या सीख रहे हैं? मुझे उसने अपनी महिमा के लिए बनाया। तो जब मुझे उसने अपनी महिमा के लिए बनाया, मेरा सोच क्या होना? मेरा हर कदम, जो भी फैसले मैं लूं, आपके सामने बहुत से दरवाजे हैं, बहुत से दरवाजे हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। कई लोग आजकल ऐसे बोलकर बैठे हैं, मैं फैसला नहीं करूंगा, प्रभु तू मुझे बता, प्रभु तू मुझे बता, प्रभु प्रभु जबरदस्ती किसी को नहीं बताएगा, मैं बाद में आऊंगा उस विषय में। दरवाजे बहुत हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, मैं तो एरोनॉटिकल के लिए जा रहा हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं तो कोचिंग के लिए जा रहा हूँ, तूने कुछ नहीं किया, मैं उधर अप्लाई किया, मैंने इधर अप्लाई किया, और आप विश्वासी होकर आप बोलते हो अच्छा उधर किया तो मैं भी सही,
अपने ध्यान रखना, आप अपने दोस्तों को देखकर अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दोस्त हैं आपको, और आजकल एक मुसीबत नौजवानों के साथ क्या, हमें लगता है मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, मेरा पास्टर मेरा दुश्मन है, जो कोई मेरे साथ हानि करता वो सब मेरे दुश्मन है, सबसे मेरे प्यारे कौन, सबसे मेरे प्यारे कौन है जिस पर मैं दिल खोल कर बता सकता हूं, माँ बाप को भी नहीं बता सकता लेकिन किसको, दोस्त को बता, ऐसी हैं है ना आपके दोस्त हैं ना, बहुत दोस्त है, हमारे लिए जान भी दे देंगे, 20 साल के बाद देखना ये दोस्त आपके किधर होंगे, आज तो आपके लिए 20 साल के बाद ये कोई आपसे बात भी, क्योंकि किसी को आपके लिए क्या नहीं है टाइम, लेकिन 20 साल के बाद भी आपके घर में आपके दोस्त का फोटो नहीं लटका होगा, पीछे आपके माँ बाप का फोटो लटका होगा, सच है। आप दोस्त को भूल जाओगे, किसी के घर चले जाओ, दोस्त का फोटो नहीं दीवार में लटका, किसका है, जिसको आप क्या समझते थे दुश्मन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि माँ बाप की पूजा करना, मेरा विषय माँ बाप नहीं, मेरा विषय मेरे सामने बहुत से दरवाजे हैं, माँ बाप भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, माँ बाप अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन मैं एक विश्वासी होते समय मैं जो फैसला लूँगा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मैं जो भी कदम लूँ वो किसकी महिमा के लिए हो, केवल, शायद इधर जो बैठे इसमें से शायद आप कोई साइंटिस्ट भी हो, शायद इंजीनियर भी हो, शायद आप में से कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर भी बनेगा, कोई प्रेरित भी होगा, पास्टर भी होगा, शायद आपके बीच में उपदेशक भी होगा, आपके बीच में से परमेश्वर किसको कैसे कैसे उपयोग करेगा हमें किसी को नहीं मालूम, शायद आप में से कोई न्यूजीलैंड में जाएगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं सोचना पास्टर जी आजकल भविष्यवाणी शुरू किया, शायद आप न्यूजीलैंड में होंगे, शायद आप नॉर्वे में होगा, हम चाहते हैं हमारी कलीसियाओं में से नौजवान निकलकर बाहर की देशों में जाए, हम चाहते हैं कि इस कैंप के द्वारा, क्यों हमें नहीं मालूम इस कैंप के बाद आप किस दिशा में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा, ले जाएगा नहीं ले जाएगा, अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर के भय में चलोगे, जो दरवाजे परमेश्वर ने खोले हैं कोई बंद कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन इतना हमें मालूम है ये सबके पीछे परमेश्वर को क्या है, एक एक योजना है, लेकिन मैं जब एक फैसला लेता हूं, मैं जो चॉइस ले रहा हूं है ना, चॉइस के सामने है, आप में से कई होंगे, राज मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आजकल आप लोगों को देख लो, पढ़ाई तो बहुत कर ली लेकिन पढ़ाई के अनुसार क्या नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिली, आजकल किसी चोर को भी पकड़ लो और उसको पूछो भाई तू कितनी तक पढ़ा है, आपके होश उड़ जाएंगे, भोपाल में पकड़े हैं चोर, MBBS करते थे, इंजीनियर है, कई चोर तो MBA किए हैं, बोलते चोरी क्यों कर रहे, बोलते नौकरी नहीं है, चोरी एक रात ही कोई घर खोलकर मिल जाए तो हमारा सारा लोन ही उतर जाए, वो पुराने चोर जैसे नहीं है आज के चोर, ये इंजीनियर और MBBS किए हुए चोर हैं, क्यों वो क्यों चोरी में आ गए, क्यों आ गए, इतना लोन लेकर पढ़ाई की, अब क्या नहीं मिल रही, नौकरी, आजकल आप नौजवानों को पूछो आप क्या कर रहे, MBA, और सर्वे में मिला है इंडिया में जितने MBA करते हैं उसमें से सिर्फ 20-25% को नौकरी मिलती है, 100 में से कितनों को, 20-25% को, क्यों,
एमबीए पास तो हो गए लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए, इसलिए कोई कंपनी वाला लेता ही नहीं। तो मेरा आजकल आप पुलिस में, पिछले दिन यूपी का पता नहीं पीयून का एग्जाम था, आपने न्यूज में भी सुना होगा, अप्लाई कौन कर रहा है? पोस्ट ग्रेजुएट, जो अनपढ़ के लिए है वो नौकरी, अप्लाई कौन कर रहे? तो अनपढ़ बेचारे खड़े होकर रोने लगे, तो हमें तो नौकरी कभी मिलेगी नहीं। सरकार ने फिर रोक लगाया कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट किसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मैं क्यों, आप तो पढ़ रहे हो, नौकरी मिलेगी क्या गारंटी? मैं क्यों, क्या आप आज फैसला करोगे? हे प्रभु, आप चाहे पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, विदेश जाने का भी प्रोग्राम बना लिया, कुछ भी हो, कैंसल करने को नहीं बोल रहा। मेरा प्रार्थना क्या होना, प्रभु मेरा अगला कदम किसकी महिमा? केवल तेरी महिमा। इसलिए हमने पढ़ा था ना पहला कुरंती 10 का 31 जो पढ़ा है, उसको दोबारा पढ़िए। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, इसलिए चाहे तुम खाओ चाहे पियो, चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ कैसे? सो अब जरा रुक कर अपने आप को जांच कर देखे, कोई फैसले आपने लेने, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है? इसके पीछे का मेरा सोच क्या है? अगर परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने आप, आपने और मैंने करना क्या है? करना क्या है? सिर्फ परमेश्वर पर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये रास्ता मुश्किल है आसान है? भाई लोग, मुश्किल है आसान है? हैं, आसान है? कई लोग चुप बैठे हैं, मुंह नहीं खोल रहे, बोलो ना, मुश्किल है आसान है? आसान है ना? बहन लोग बोलो, भाई लोग बोले आसान है, बहन लोग बोलो आसान है? इधर चुप। ये रास्ता मुश्किल है आसान है? भाई लोग उधर, भाई लोग बोलो आसान है? क्योंकि मैं चर्चों में जाकर पूछ पूछ कर आया है, इसलिए सब बोल रहे हैं आसान है। तो फिर चलते क्यों नहीं हो? गाना क्या गाते हैं? चलना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते। इसलिए मैं पिछले दिन चर्चों में गया, कलीसिया में गया, मैंने बोला मैं आसान तरीका भी बताने जा रहा हूँ। क्या है? सबको मैं एक एक माला दूंगा, माला, रुद्राक्ष माला। हाँ, माला मिलने के बाद आपने एक साल मीट मछली अंडा कुछ नहीं खाना, एक साल। उसके बाद मैं आपको एक शब्द दूंगा, दो शब्द, किसी को नहीं बताना। सुबह खाली पेट 2 घंटे एक शब्द का जप करना, दूसरा शब्द का जप शाम को करना। आप बोलो आसान है मुश्किल है? हाँ, वो मुश्किल है। अब आप बोलो वो मुश्किल है ये मुश्किल है? हाँ जी, वो मुश्किल है ये मुश्किल है? वो मुश्किल है, इसका मतलब ये क्या है? लेकिन एक बात आप जानते हो, दुनिया वो करती है, दुनिया जो जिसको आप मुश्किल है बोलते हो, दुनिया उसको करती है। हमारे पास सबसे आसान चीज है, फिर भी हम क्या बोलकर बैठते हैं? चलना तो चाहते हैं लेकिन क्यों? सिंपल सी बात। अभी देखिए मसीह जीवन कितना, परमेश्वर ने हमें चलने का रास्ता कितना सरल कर कर दे दिया। दुनिया, आपको तो मालूम है ना, दुनिया क्या करती है आजकल? योगा, योगा कर रही है ना, एक एक बैठे क्या कर रहा है? देखो ना, कर रहा है। जप कर रहे हैं, हम भी शुरू कर दें। आपको कनाडा जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं, रोज सुबह 2 घंटे हालेलुया का जप करना। क्या बोलते जाना, कितने घंटे, और टाइमर भी मिलता है उसको दबाते जाना, 2000 बार क्या हालेलुया बोलो तो आप किधर चले जाओगे?
करने लगोगे नहीं लगोगे? सुबह हालेलुया बोलना और शाम को यीशु की लहू की जय, करोगे नहीं करोगे? मैं क्यों बोल रहा, हमें ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, उस पर भरोसा कर कर सच्चे मन से एक प्रार्थना, सच्चे मन से क्या प्रार्थना, हे बाप तूने मुझे अपने लिए बनाया, तू मुझे प्यार करता है। सच है क्या परमेश्वर विश्वास योग्य है? हाँ जी, विश्वास योग्य है ना? क्या परमेश्वर हमारे बीच में है? अभी नहीं है, है? फर्क इतना है, दिखता नहीं। आपने अंधे को देखा, अंधे की हालत क्या होती है? उसको दिखता नहीं है लेकिन सुनाई तो देता है, नहीं सुनाई भी देता है, छूता भी है। वैसे ही हम, हमें दिख नहीं रहा वो हमारे बीच में अभी है, लेकिन बड़ी जल्दी मैं उसको क्या करूंगा, देखूंगा। किसको? जो स्वर्ग में है, कर कर नहीं, जो अभी हमारे बीच में है। आपकी घर की परिस्थिति कुछ भी हो, आप गरीब होंगे, आपके माँ बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप शायद सोचते होंगे मेरी कल शादी होगी तो देने के लिए कुछ नहीं, पता नहीं किसके साथ मेरी शादी होगी। आप गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते, आप उसकी चिंता ना करो, आपकी एक ही सोच होनी, प्रभु इतना तक तू मुझे लेकर आया। सच है, हम एक एक अपने जीवन को मुड़कर देखे, परमेश्वर लाया अभी तो सोचने से बढ़कर ना लाया, क्या आगे चलाएगा? नहीं चलाएगा, चलाएगा। प्रभु मैं एक ही विनती करता हूँ, मेरा यह जीवन जो तूने मुझे दिया तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्यों? केवल तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। समझ में आ रहा है आपको? प्रार्थना करें, वचन सुनना काफ़ी नहीं, क्या भी करना है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, वचन सुनना काफ़ी नहीं, पहला सेशन है। मैंने जैसे पहले आपको बोला फोन बंद कर कर रखना, नियम नहीं है, आपका फैसला है। हम आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं कराना चाहते, आप नौजवान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, हम डराकर धमकाकर कुछ नहीं करना चाहते। आप लोग, कई लोग व्हाट्सएप में हैं, फेसबुक में हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन ध्यान रखें, घर से माँ बाप की अनुमति लेकर, कलीसिया के पासबान की अनुमति लेकर आप आए हैं, पीछे माँ बाप और कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है, उन्होंने हमें भेजा है। जाओ, आत्मा में बलवंत होकर आ जाओ। हमारा तो इस साल का मीटिंग कैंसिल हो गया, लेकिन नौजवानों का मीटिंग है, आप जाओ, आपका जीवन हमारे लिए हौसला हो जाए। ये सुबह के सेशन में मैंने ज्यादा नहीं लिया क्लास, पहला सेशन है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम आपको 8 घंटे बिठाकर प्रचार करने नहीं आए हैं। हालेलुया, आपके जीवन के सामने बहुत बड़े फैसले हैं। हालेलुया, मैंने तस्वीर आपको दिखाए ताकि आप तस्वीर को ना भूलें। क्लास के बाद कमरे में जाकर इधर उधर गप ना मारें, अकेले बैठें, प्रार्थना करें। हालेलुया, सबसे पहला क्लास, सबसे पहला फैसला, प्रभु मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, मेरी नौकरी, सब तेरी महिमा, उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहती, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। हालेलुया,
बाकी सब सृष्टिकर्ता संभालेगा। आपके जीवन में गलतियां हुई हैं, अब उन गलतियों के कारण आप पछताते हैं, शैतान उस गलतियों को लेकर आपको चुबाता है, आपको निराश करना चाहता है, तब आपने इस बात से तसल्ली लेना है, हाँ गलतियां हुई, किसी और पर दोष ना दें, हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, वो मुझे क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बातें करें, आहें भर भर कर जो बयान से बाहर, आराधना नहीं, बातें करें। हालेलुया, तेरी महिमा, चाहे आप खाए पिए चाहे जो भी करें, मेरे कपड़े, मेरी पढ़ाई, मेरा चलना फिरना, सब बातें प्रभु केवल तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, महिमा हो प्रभु।